हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम कंपेयर करेंगे स्नैपड्रैगन 732G वर्सेस स्नैपड्रैगन 730G को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं लॉन्चिंग डेट की। स्नैपड्रैगन 732G की लॉन्चिंग डेट की अगर बात की जाए तो ये 31 अगस्त को लॉन्च हुआ था 2020 को, और वही भी बात की जाए स्नैपड्रैगन 730G की तो ये 9 अप्रैल को लॉन्च हुआ था 2019 को। तो जहाँ तक लॉन्चिंग डेट के हिसाब से अगर कहा जाए तो स्नैपड्रैगन 732G आप नया प्रोसेसर कह सकते हो। बात की जाए सीपीयू की तो ये दोनों ही चिपसेट ऑक्टाकोर चिपसेट है, और स्नैपड्रैगन 732G में आपको क्रियो 470 यूज़ किया गया है, जिसमें आपको दो कोर्स कॉर्टेक्स A76 वाले 2.3 GHz पे क्लॉक किए गए हैं और 6 कोर कॉर्टेक्स A55 वाले 1.8 GHz पे क्लॉक किए गए हैं। कॉर्टेक्स A76 की अगर बात की जाए तो ये परफॉर्मेंस कोर्स माने जाते हैं, और कॉर्टेक्स A55 की अगर बात की जाए तो ये बैटरी एफिशिएंट कोर माने जाते हैं। बात की जाए स्नैपड्रैगन 730G की तो ये भी एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, और इसमें आपको क्रियो 470 यूज़ किया गया है। इसमें आपको दो कोर्स कॉर्टेक्स A76 वाले 2.2 GHz पे क्लॉक किए गए हैं और 6 कोर कॉर्टेक्स A55 वाले 1.8 GHz पे क्लॉक किए गए हैं। तो जहाँ तक बात की जाए सीपीयू परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आप 732G के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कॉर्टेक्स A76 2.3 GHz पे क्लॉक किए गए हैं। आगे बात की जाए कैमरा परफॉर्मेंस की तो इन दोनों ही चिपसेट में आपको 192 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट आता है, और अप टू 22 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वही भी बात की जाए इमेज सिग्नल प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 732G में आपको स्पेक्ट्रा 350 का इमेज सिग्नल प्रोसेसर आता है, और यही प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 730G में भी देखने को मिल जाएगा। बात की जाए वीडियो सपोर्ट की तो इन दोनों ही चिपसेट में आपको 4K वीडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। बात की जाए GPU परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन 732G में आपको एड्रीनो 618 GPU देखने को मिलता है, जो कि 15% फास्टर है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 730G। तो जहाँ तक GPU परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो GPU परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 732G में बढ़िया होने वाला है। आगे बात की जाए डिस्प्ले रिजोल्यूशन सपोर्ट की तो इन दोनों ही चिपसेट में आपको अप टू क्वाड एच डी प्लस का डिस्प्ले रिजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसमें आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। आगे बात की जाए रैम सपोर्ट की तो इन दोनों ही चिपसेट में आपको LPDDR4X का रैम सपोर्ट आता है, जो कि 1866 MHz तक क्लॉक किया गया है। और बात की जाए रैम सपोर्ट की तो इन दोनों ही चिपसेट में आपको अप टू 8 GB तक का रैम सपोर्ट आ जाता है। आगे बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो इन दोनों ही चिपसेट में आपको 4th जनरेशन का क्वालकॉम AI इंजन देखने को मिलता है, और इन दोनों ही चिपसेट में आपको हेक्सागन 688 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। बात की जाए प्रोसेस टेक्नोलॉजी की तो ये दोनों ही चिपसेट 8 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि एक बैटरी एफिशिएंट चिपसेट है, और ये हीट भी कम होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बात की जाए ब्लूटूथ वर्जन्स की तो स्नैपड्रैगन 732G में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, और वहीं पे स्नैपड्रैगन 730G में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है। आगे बात की जाए चार्जिंग टेक्नोलॉजी की तो इन दोनों ही चिपसेट में आपको क्विक चार्ज 4+ का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। फाइनली बात की जाए कंक्लूजन की तो ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे आप स्नैपड्रैगन 732G के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको अपग्रेडेड सीपीयू और अपग्रेडेड GPU परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो ये था वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।